So hey guys, welcome to Saksham TV Vlogs. This is my new parcel and I'm gonna tell you what is inside this box. तो मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे होगे कि इस बॉक्स में आखिर है क्या, तो फिर सोचते रहो मुझे क्या। एक्चुअली इस बॉक्स में है ये टना। गेस करने की कोशिश करो क्या है। इसका नाम है एरा मस्क फोर्स। नाम से पता नहीं क्या क्या गेस कर लोगे तुम लोग। समझ रहे हो, समझ रहा हूँ, बता देता हूँ है क्या। एक्चुअल में इसमें है साबुन। अगर आप लोग डेली नहाते हो और डेली नहीं भी नहाते हो, कभी कभी भी नहाते हो, तो आपको मालूम होगा कि इसका यूज़ क्या होता है। और आप लोग सोचोगे कि साबुन मैंने ऑनलाइन क्यों मंगवाया, अगर मैं इसे लोकल मार्केट से ख़रीद लेता तो मुझे अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता। तो हाँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना था इसलिए मैंने इतना सारा साबुन एक साथ ख़रीद लिया। ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और अब मेरे पास ढेर सारा साबुन है और इसको बेचना भी चाहता हूँ, तो ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 रुपये का। कितने का है भाई? इस पे 50 रुपये लिखा हुआ भी है, तो 50 रुपये का साबुन है, आराम से ले सकते हो मुझसे, ठीक है ना। चलो देखते हैं नहा के कि कैसा फ्रेग्रेंस है इसका। ओके बाय। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि जब मार्केट में 10 रुपये में साबुन आसानी से मिल ही जाता है, तो फिर हम ये 50 रुपये का साबुन क्यों खरीदें। तो हाँ, मैं आपको यहाँ पर कंपेयर करके बताऊँगा कि ये जो मेरा 50 रुपये का साबुन है जो ऑनलाइन मैंने मंगवाया है, और ये जो 10 रुपये का साबुन डिटॉल है जिसे मैंने मार्केट से ही ख़रीदा है, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं और बताते हैं कि क्वालिटी में क्या डिफरेंस आता है, और रेट महंगा होने के बाद भी ये कैसे आपको सस्ता पड़ सकता है, ये देखें। तो सबसे पहले तो मैं इस साबुन की क्वालिटी की दोनों की दिखाना चाहूँगा कि इस साबुन को, ये जो डिटॉल साबुन है, इसे जब मैं ऐसे साइड से पकड़ता हूँ और ऐसे दबाता हूँ, देखा ये टूट गया। हालाँकि ये गीला था, टूट गया, लेकिन अब इस साबुन को दिखाते हैं। साइड से पकड़ के अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूं, साइड से भी नहीं टूटता है। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, इसके क्वालिटी कैसा है। अब बात करते हैं इसके वेट की। तो वेट में अगर आप जाके देखते हो तो देखो, उनका वेट देख लेते हैं। ये डिटॉल का पैकेट है मेरा जो 10 रुपये ख़रीदा था, और इसका वेट है 40 ग्राम्स। दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसका फ़ोटो लेके दिखा दूंगा, अच्छे से दिखाई देगा। 10 रुपये का मिला है और ये 40 ग्राम्स का है डिटॉल वाला। और उसके बाद जो ये दूसरा वाला साबुन है मेरा, ये है 125 ग्राम्स का, और इसका MRP है 50 रुपीज़। हालाँकि मुझे ये 50 से कम में मिला है, लेकिन फिर भी MRP के हिसाब से देखें तो 50 में मिलना चाहिए था 125 ग्राम्स। कंपेयर करते हैं तो 40 का 3 टाइम जब करते हैं तो 120 आता है, यानी कि उस हिसाब से डिटॉल को अगर मुझे 125 ग्राम का डिटॉल या 120 ग्राम का ही डिटॉल लेना होगा तो 30 रुपये खर्चने होंगे, और ये मुझे 50 रुपये मिला। अब क्वालिटी की बात कर लेते हैं कि आपको देख के कैसे पता चलेगा कौन सा साबुन अच्छा है, कौन सा साबुन अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, इस वाले साबुन पे, इसका मैं आपको TFM दिखाता हूँ जो हर साबुन पे होता है। इसका फ़ोटो मैं डाल दूंगा तो ज़्यादा बेटर उसमें दिखाई देगा। इस साबुन का TFM और फिर डिटॉल का TFM। तो TFM आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो लिखा होगा TFM। TFM का फुल फॉर्म होता है टोटल फेरी मैटर, यानी कि जो उसमें मैटर, मतलब जिस चीज़ को मिला के साबुन अच्छे क्वालिटी का बनता है वो कितना परसेंटेज है। तो वो अगर 76% से कम है तो साबुन नहाने के लिए अच्छा नहीं होता, स्किन पे लगाने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और अगर वो 76 से ज़्यादा है या फिर 76 है तो वो फर्स्ट ग्रेड का साबुन होता है, और ये आपको हर साबुन पर लिखा हुआ मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ होता है कि नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिटॉल पे क्या लिखा हुआ है, तो डिटॉल पे आपको दिखाता हूँ इसका ग्रेड क्या है। ग्रेड 3 TFM ओनली 60%। तो ये थर्ड ग्रेड का साबुन है ये। अब आप लोग सोचोगे डिटॉल इतनी बड़ी कंपनी है और वो थर्ड ग्रेड का साबुन क्यों बनाती है, तो एक्चुअल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो थर्ड ग्रेड का, एक्चुअल में कॉस्ट जो है इसकी 10 रुपये वाला, अगर आप डिटॉल खरीदोगे तो आपको थर्ड ग्रेड ही मिलेगा। आपको थोड़ा एक्सपेंसिव मतलब डिटॉल लेना है तो उस पर भी जाके देखो, आप 30 रुपये वाला 20 रुपये वाला डिटॉल खरीदो तो आपको पता चलेगा कि हाँ, उस पर TFM कितना है और वो बेटर है या नहीं है, तो आपको देख के पता चल सकता है, सिर्फ देख के। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं हम तो डिटॉल लगाते नहीं, हम तो डव लगाते हैं। तो डव पे कहाँ देखेंगे आप TFM जाके, तो डव पे आपको TFM देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि आप देखो, मैं डव साबुन दिखाता हूँ, ये रहा डव साबुन। और इस पर आपको TFM इसलिए नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये जो है प्रमोट करता है खुद को, नॉट एज अ सोप, एज अ मॉइस्चराइजेशन क्रीम। तो डव जो है वो एक साबुन नहीं है, वो एक मॉइस्चराइजेशन क्रीम है, इस वजह से इसका जो TFM होता है इस पर नहीं लिखा हुआ होता है। और
इसको आप एज अ साबुन यूज़ भी नहीं करते, आप मतलब लगाते समय सब साबुन की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको जैसा कहा जाता है कि ये क्रीम है। अब वो जो कहा जाता है कि ये क्रीम है वो सच है या नहीं, वो किस पे कैसे पता चलेगा, तो हमारे पास टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक लिटमस पेपर भी है। ये रहा हमारा लिटमस पेपर। तो इसका जो कलर होता है वो चेंज होता रहता है, और साबुन में बेस होता है, मतलब साबुन सोप जितना भी होता है उसमें क्षार होता है, भस्म होता है, ये आप लोगों को पता है। तो अगर ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में आएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। कैसा कलर चेंज होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये साबुन है डिटॉल हमारा, इसको इस पर रखा मैंने, ठीक है, क्या लगता है कलर चेंज होगा, देख लेते हैं रगड़ के, देखो किस कलर का हो गया, देख रहे हो ना। तो ये जो पीले कलर का हमारा लिटमस पेपर था और ये हो गया ग्रीन। अब इसको चेक कर लेंगे कि इस साबुन में कितना बेस है। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये भी है, और ये जब इसको कंपेयर करते हैं तो इसका आता है 89 के अप्रॉक्स में। दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से यार, ये स्क्रीन का प्रॉब्लम है, टैप करता हूँ एक बार। तो ये कंपेयर करने के बाद पता चलता है कि ये 89 के बीच में आ रहा है। तो इसका जो पीएच मान है, मतलब पीएच नंबर है, वो 8 पॉइंट समथिंग हो सकता है इस साबुन का, डिटॉल का। अब इसका कितना, अब ये भी बेस से ही बना होगा, साबुन है तो जाहिर सी बात है बेस से ही बनेगा। इसमें भी रख के इसको देख लेते हैं कि भाई इसका कितना आता है। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, क्योंकि बिना पानी के तो ये मिलेगा नहीं। तो ये हमारा पेपर है फिर से सामने, और इसको इस बार हम इस वाले साबुन पर रख के देखने वाले हैं कि भाई कितना होता है इसका कलर, कितना चेंज होता है। हाथ में इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि हाथ लगाने के बाद क्या है, मेरे हाथ में ऑलरेडी डिटॉल साबुन लगा हुआ है, तो अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो डिटॉल साबुन का भी तो बेस आ जाएगा ना, तो इसलिए मैं हाथ नहीं लगा रहा। लेकिन इसका पानी के साथ जैसे मैंने इसको कंबाइन किया तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे इसका कलर कैसे चेंज हुआ है, दिखाई दे रहा है ना आपको। और इसका जब पीएच ना जाके चेक करने की कोशिश करते हैं तो ये आता है लगभग 9 के ही पास आ रहा है, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो क्वालिटी यहाँ से भी देख सकते हो। और अब इसको रख के देखेंगे हम डव साबुन पे। तो डव साबुन पे रखने के बाद क्या रिएक्शन आता है, क्या इसका कलर चेंज होगा, क्योंकि अब मुझे तो पता है नहीं, उन्होंने तो बोल दिया कि ये साबुन नहीं है ये क्रीम है। तो अब चलो रख के देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि डव साबुन है या क्रीम है, कलर चेंज हुआ तो साबुन नहीं तो क्रीम। चलो रखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इसका कलर तो चेंज हुआ नहीं और ये गोरा हो गया, तो आप लोग भी समझ सकते हैं डब लगाओ और गोरे हो जाओ। तो बस आज के लिए इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना। अगर आपको ये देख के थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो कि अब से आप नेक्स्ट टाइम जाओगे मार्केट में साबुन खरीदोगे तो आप उसका TFM जरूर चेक करना, और TFM चेक करके बताना कि आपको अच्छा साबुन 10 रुपये में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर कोई भी साबुन। आपको मैं एक साबुन सजेस्ट भी कर सकता हूँ जो मैं पहले यूज़ करता रहता था, वो सिंथॉल 10 रुपये में, गोदरेज का सिंथॉल साबुन आता है, वो भी 10 रुपये में मिलता है। क्वांटिटी थोड़ा सा कम होता है लेकिन हाँ उसमें फर्स्ट ग्रेड रहता है, TFM 76% होता है। और भी कोई साबुन अगर आप यूज़ करते हो तो आप ज़रूर बताना, वैसे तो तुम्हारी मर्जी जो भी साबुन यूज़ करना है करो, लेकिन मेरी वीडियो को अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर लेना और कमेंट करके ये भी बताना कि इससे पहले तुम कौन सा साबुन यूज़ करते थे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।